हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा प्लस वन क्लास का सेवन्थ लेक्चर है सेट्स चैप्टर का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, काफ़ी सारे लॉज बताए थे, कॉमोटेटिव लॉ, डी मॉर्गन लॉ, और डी मॉर्गन लॉ आपको ड्राइव करना सिखाया था, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे फर्स्ट ये हम कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊँगी और उनको बाय वेन डायग्राम से प्रूव करके दिखाऊँगी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, आपको पता है फाइनाइट सेट क्या होता है, देन क्या होता है एन, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, क्लियर। तो मैं इसे क्या बोलूँगी, एन ऑफ ए बोल दूंगी क्योंकि वो लंबा पड़ता है। एन ऑफ ए ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट माइनस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से अब आप देखिए, मैं आपको ये वेन डायग्राम से फॉर्मूला बताती हूँ कैसे होगा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, मैंने कोई ए सेट ले लिया 1 2 3 4 और बी सेट लेट कर लिया 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैं इसका क्या बना के दिखाऊंगी आपको, वेन डायग्राम बनाते हैं हम इसका। वेन डायग्राम अब आपको अच्छे से बनाना आता होगा। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हम ए सेट लेते हैं और बी सेट लेते हैं, ए ले लिया बी सेट ले लिया, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ए के अंदर 1 2 3 4 है और बी के अंदर 3 4 5 6 है, ठीक है। तो 1 2 तो मैं कहीं पे भी ले लूंगी, बट मुझे पता है 3 4 यहाँ होगा क्योंकि 3 4 ए में भी है और 3 4 बी के अंदर भी है, और बी में ये क्या आ जाएगा, 5 एंड 6। अब हम ये वाला फॉर्मूला बाय वेन डायग्राम कैसे करते हैं, आप देखिए, पहले इन दोनों की हम यूनियन करते हैं। यूनियन का मतलब आपको मैंने क्या बताया हुआ है, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अब यहां देखने वाली बात है, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, यानी कि 2 टाइम है ना, बट मैंने सेट में तो 1 टाइम ही लिखा है। इसका मतलब क्या है, अब यहां पे फॉर्मूले पे आइए, ये क्या कहता है, इसका यूनियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि 1 2 हो गया, ठीक है। फिर कहता है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, क्या हो जाएगा, ये बी के हो जाएंगे, माइनस क्या कर दिया, इनका इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है बच्चों, इन्होंने ए सेट लिया है, एक बार ए सेट ले लिया, ए सेट का मतलब 1 2 3 4 आ गया इसके अंदर, ठीक है। फिर से ये क्या ले रहे हैं, बी सेट ले रहे हैं, यानी कि 3 4 फिर एक बार आ गया, दो बार आ गया ना यहाँ पे 3 4, बट आना तो क्या चाहिए, सिंगल टाइम आना चाहिए था, इसलिए इसने एक सिंगल टाइम इनके इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या है इनका 3 और 4 है ना, 1 टाइम इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा था, अगर हम 1 टाइम माइनस करते हैं तो 1 टाइम रह जाता है। दोबारा देखिए इसे बाय वेन डायग्राम, फॉर्मूला ड्राइव करके बता रही हूं मैं आपको, ये वैसे आपको लर्न करना है क्योंकि क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ही फॉर्मूले ही पुट करेंगे। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हमने ए सेट लिया तो 1 2 3 4 आ गया, और बी लिया तो फिर से 3 4 5 6 आ गया, 3 4 2 टाइम्स आ रहा है यहां पे, है ना। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन यानी कि 3 4 को 1 टाइम माइनस कर रहा है, 1 टाइम माइनस कर दिया तो 1 टाइम, अगर 2 टाइम ले रहा था 1 टाइम माइनस कर दिया तो 1 टाइम रह गया ना। और यही बात होती है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते। तो ये फॉर्मूला बाय वेन डायग्राम इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि इसने इंटरसेक्शन को माइनस क्यों किया, क्योंकि ये 2 टाइम्स ले रहा था, आना 1 टाइम चाहिए था, तो 1 टाइम माइनस कर दिया तो 1 टाइम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वैसे मैं आपको सिर्फ समझाने के व्यू से बता रही हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आता, आपको मैं बता रही हूँ फॉर नॉलेज ओनली कि भाई ये वाला फॉर्मूला हम किस टाइप से वेन डायग्राम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अगर ये कहता है क्वेश्चन के अंदर कि अगर इंटरसेक्शन हमें क्या दे रखा हो, एक एम्प्टी 5 दे रखा हो, तो उसे 5 पुट कर दो, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, आपको वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करने हैं, मैं आपको वेन डायग्राम से सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूं कि आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी फॉर्मूला आपको लर्न करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी फॉर्मूले, ये जो मैं आपको लिख रही हूँ आपको ये सारे फॉर्मूले बुक में मिलेंगे। आपको वैसे डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करने हैं, मैं आपको वेन डायग्राम से सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अब देखिए कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हम वेन डायग्राम से करके देखते हैं इसको। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। क्लियर? यहां पे तो सीधा है ए सेट का मतलब ए सेट ही होगा। ए माइनस बी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, यहां पे क्या होगा कि ए में से बी वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो, ओनली क्या बचेगा ये वाला रीजन बचता है ना। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वालों को क्या कर दो, बी वाले एलिमेंट को माइनस कर दो। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ये वाला है ना। ये तो क्या कहता है कि ए आ जाएगा, कंप्लीट ए, कंप्लीट ए सेट हो गया, पूरा ए है ना। यहां पे पहले मैंने क्या देखा, ए माइनस बी, तो ये वाला आ गया ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन आपको पता है ना किन्हीं दो सेट्स की इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उनके कॉमन पॉइंट्स, एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाला देखो ए में भी है बी में भी है, तो मैंने शेड कर दिया, दोनों डायग्राम के आगे सेम आ गए। तो ये फॉर्मूला भी हमारा वेन डायग्राम से हो गया। इस वाले को देखते हैं, नीचे वाले को, नीचे वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, मैं फिर से आपको बता रही हूं, आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए प्रूव करके दिखा रही हूं। ये कहता है कि बी सेट है ए बी, ये हमने बी शेड कर दिया यहां पे, इसे देखते हैं ये दोनों डायग्राम क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ये ए है और ये बी सेट है। ये कहते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बी वाले में से ए वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो, बी सेट में से ए सेट को माइनस करना है, कर दिया मैंने। और फिर क्या कहते हैं इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो देखिए दोनों डायग्राम क्या आ गए, सेम आ गए। तो ये क्या होते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं कि एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फॉर्मूले क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट यूज करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, वेयर इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट देन। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना है, क्वेश्चंस में यूज होगा। ये वाला भी मैं आपको वेन डायग्राम से समझाती हूं कि ये इसके इक्वल कैसे आता है। देखिए यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मैंने ए सेट ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला वो सेट की हेल्प से करवाया था, यहां पे मैं डायरेक्ट बताती हूं। ये कहते हैं इन तीनों के यूनियन का मतलब दिस सेट कंप्लीट, दिस सेट कंप्लीट एंड दिस सेट कंप्लीट, किसके इक्वल आएगा। ए प्लस बी प्लस सी तो ले लिया इसने पहले, ये ले लिया, ये ले लिया, सी ले लिया। अब कहता है ये क्या कहता है, जब ए वही सेम चीज है, इंटरसेक्शन क्या था, टू टाइम्स आ रहा था वहां पे उस क्वेश्चन के अंदर, यहां पे भी इन दोनों की इंटरसेक्शन टू टाइम आ रही है तो वन टाइम माइनस कर दी। ठीक है, इसी टाइप से बी और सी की इंटरसेक्शन भी क्या आएगी, टू टाइम्स आएगी। उसको आप पहले, इससे समझने से पहले आप फर्स्ट अच्छे से समझना, जैसे मैंने वो बताया था उसी टाइप से हम ये करेंगे। अब बी और सी की इंटरसेक्शन भी कितने टाइम्स आ रही है, टू टाइम्स, तो वन टाइम हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर ए और सी की इंटरसेक्शन भी कितने टाइम आएगी, टू टाइम्स, तो हम उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए
यहां तक तो सारा उसी टाइप का चल रहा था जैसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। अब बात आती है कि इसने तीनों की इंटरसेक्शन को ऐड क्यों किया। अब देखिए सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे हमारे पास कि जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी को यहां पे माइनस करा दैट मींस ये वाला रीजन माइनस हो गया, ठीक है। फिर मैंने बी और सी को माइनस किया तो ये वाला रीजन माइनस हो गया। फिर ए और सी को माइनस किया तो ये वाला रीजन माइनस हो गया। दैट मींस ये तो वन टाइम माइनस हुआ, ये भी वन टाइम, ये भी वन टाइम, लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जो बेचारा तीन बार माइनस हो गया। दोबारा देखो, इसको किया तो हो गया ये, इसको किया इसमें भी आ रहा है, इसको किया तो इसमें भी आ रहा है। मतलब ये वाला एक ऐसा है रीजन जो थ्री टाइम्स माइनस हो गया। तो थ्री टाइम माइनस हो गया तो हमने इसे तो हटा ही दिया डायग्राम से, हटाना तो नहीं था, वन टाइम तो लेना था ना हमें, इसलिए हमने वन टाइम इसको ऐड कर दिया। और आप ध्यान दोगे जरा, ये ऐसा रीजन है जो ए में भी है, बी का भी है और सी का भी कॉमन है। ये कौन सा रीजन होता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। मतलब यहां ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, तीनों का कॉमन है। तो ये अगर तीन बार माइनस हो गया लेकिन खत्म ही कर दिया हमने, तो एक टाइम तो हमें इसे लेना था ना, तो हमने वन टाइम इसको ऐड कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला बाय वेन डायग्राम इस टाइप से होता है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ बच्चों को ना भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो। ये मैंने नॉलेज के लिए बताया है कि वेन डायग्राम से ये चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है माइनस दिस। और नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है माइनस यूनियन बी के। अब देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, एक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डी मॉर्गन लॉ। क्या होता था डी मॉर्गन लॉ? उसमें क्या था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था, एक अगर उनको अलग अलग करते तो बीच का साइन चेंज होता था। ये था एक पॉइंट, तो ये था। दूसरा क्या था कि अगर इंटरसेक्शन हो उसका कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करे तो बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम उस यहां पे उसी का यूज करेंगे। तो यहां पे हम इस टर्म को लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा, ए यूनियन है ना, इसको मैं लिख सकती हूं इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको मैंने क्या बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या था कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ही हो जाएगा। सिमिलरली ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ, ये एन ऑफ यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, तो इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये भी हमने डी मॉर्गन लॉ से आपको प्रूव करके दिखाया है। वैसे आपको डायरेक्ट क्या करना है, स्टेटमेंट लर्न करनी है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूं, इन फॉर्मूले यूज होंगे उसके अंदर। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई हमारे दो सेट हैं, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स, ठीक है, एक्स हैज 28 एलिमेंट्स एंड वाई हैज 32 एलिमेंट्स। ये कहता है कि जो एक्स है सेट उसमें 28 एलिमेंट्स है, तो यानी कि एन ऑफ एक्स क्या हो गया मेरे पास, 28 हो गया। एन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। सिमिलरली 32 किस में दे रखा है, वाई में, तो एन ऑफ वाई क्या हो जाएगा मेरे पास, 32 आ गया, ठीक है। और क्या कहता है ये, 50 एलिमेंट्स किसके अंदर है, यूनियन के अंदर, ऑलरेडी गिवन है, तो क्या हो जाएगा, यूनियन वाई इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया। अब देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, ये क्या कहता है आगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज इंटरसेक्शन हैव, ये कहता है कि इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि मुझे फाइंड क्या करना है,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब मैं यहां पे क्या करूंगी, फॉर्मूले का यूज, फर्स्ट फॉर्मूले का। क्या था फर्स्ट फॉर्मूला? एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस दिस। ये था ना फॉर्मूला फर्स्ट। इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50। 50 इक्वल्स टू ये कितना है हमारे पास, 28। फिर कितना जाएगा, प्लस 32। एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, एज इट इज। अब देखिए, ये 50 हम उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 28 प्लस 32 माइनस कितना आ जाएगा, 50। तो यहां से ये कितना आ गया मेरे पास, 60 माइनस 50, आंसर इज 10। तो 10 एलिमेंट्स हमें किस में मिलेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई में। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें एक चार तीन चीजें गिवन थी, चौथी हमें निकालनी थी। हमने फॉर्मूले का यूज किया, फॉर्मूले में डायरेक्ट क्या करी, वैल्यूज पुट करी, और हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज है एक क्लास के अंदर, देर आर 40 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। 40 बॉयज क्या प्ले करते हैं, कार्ड्स, एंड 30 बॉयज प्ले कैरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लैंग्वेज लिखेंगे कि लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देती हूँ कि ए क्या लिया मैंने यहाँ पे, कार्ड्स के लिए लिया है, जो बॉयज कार्ड्स प्ले करते हैं। बी लिया, जो बॉयज कैरम प्ले करते हैं। आपने प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है, लेट ए बी द सेट्स ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स एंड बी बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम। तो सबसे पहले देखिए, 44 बॉयज प्ले कार्ड है, तो एन ऑफ ए ए कार्ड का था तो कितना आ गया, 45, और कैरम कितने हैं, 30 बॉयज, तो एन ऑफ बी कितना आ गया, 30 आ गया। मैंने यहां पे लिख दिया कि ए और बी मैंने क्या कंसिडर किया है। नेक्स्ट कहते हैं, ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन गेम। इस लाइन का पहले मीनिंग समझिए, क्या कह रहा है ये, कहता है कि ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, मतलब हर एक बॉय या तो कार्ड खेलता है या कैरम खेलता है। इसका मतलब क्या है, ईच बॉय या तो ए सेट में है या बी सेट में है, मतलब आइदर ही प्ले कार्ड और ही प्ले कैरम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, मतलब कम से कम हर बॉय या तो ये खेलता है या ये खेलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आइदर और आ जाए उसका मीनिंग क्या होता है, यूनियन, मतलब इसमें भी है या इसमें है, या का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो ये जो 60 बॉयज हैं हमारे पास, ये किस में है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या बात है कि ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट, एटलीस्ट नाम जहां पे आ जाए, कम से कम एक गेम खेलते हैं हर बॉय, या तो इसमें होगा या ये खेलेंगे, और या आइदर दिस और दिस, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन होता, आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो एटलीस्ट नाम जहां पे आ जाए तो वो क्या होता है हमारे पास, यूनियन में कंसिडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमें क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स। देखिए, बोथ आ जाए एंड आ जाए, क्या होता है, हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। कैसे फाइंड करूंगे, बाय फर्स्ट फॉर्मूला। क्या था फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीन चीजें हमें गिवन है, इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू रिप्लेस। क्या हो जाएगा, यूनियन है हमारे पास 60, ए क्या है हमारे पास यहां पे 45 प्लस 30 माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 75, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया मेरे पास, 75, 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 50। तो ये हमने कौन सा पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट किया कि हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स। मैंने क्या बताया,
बोथ नाम जहां पे आ जाए हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है ये, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली। अब देखिए अगर ये ओनली वर्ड ना देता और कहता हाउ मैनी प्ले कार्ड्स, तो वो तो ऑलरेडी गिवन ही है। ओनली का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कार्ड मेरे पास ए और कैरम बी लिया है ना मैंने बाय द लैंग्वेज, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ए माइनस बी फाइंड करना है। दोबारा देखिए ओनली नाम आ जाए यहाँ पे, ठीक है, कि सिर्फ ऐसे बताओ जो सिर्फ कार्ड खेलते हैं, तो कार्ड में से अगर हम कैरम को माइनस कर दे तो ओनली कार्ड ही बचेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, ओनली नाम आ जाए उसका मीनिंग क्या है, कार्ड में से कैरम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और इससे रिलेटेड जहां पे ए माइनस बी आ गया तो आपके माइंड में अपने आप आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला ये था ना, एन ऑफ ए इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, कराया था। और मैंने आपको कहा था ना कि ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, हम क्वेश्चंस में इन्हें यूज करेंगे। तो यहां देखते हैं इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, मेरे पास ये कितना है 45, ए माइनस बी इंटरसेक्शन कितना, अब इंटरसेक्शन की बात आती है तो देखिए यहाँ पे तो यूनियन था ना फर्स्ट पार्ट, तभी तो ये सेकंड पार्ट हुआ है ना, क्योंकि मुझे फर्स्ट पार्ट में मैंने इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया था। मेरा इंटरसेक्शन क्या आया था फर्स्ट के अकॉर्डिंग, 15। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ जाता है और फर्स्ट पार्ट ये नहीं देता ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो लो फर्स्ट पार्ट तो है नहीं, इंटरसेक्शन कैसे आएगा। तो ये वाला पार्ट करने के लिए पहले आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बाय फर्स्ट फॉर्मूला जैसे हमने किया था। तो 15 आ गया, यहाँ पे तो मैंने ये बोल दिया कि पहले वाले पार्ट में हमने किया था, अब करके दिखा देना कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 अगर फर्स्ट पार्ट गिवन ना हो तो। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस कितना आ गया हमारे पास 15, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ए माइनस बी आ गया। तो 45 माइनस 15 हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो ये क्या आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में ये क्या कहता है कि हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली। फिर से वही बात आ गई, ओनली वर्ड दे दिया, तो मुझे क्या फाइंड करना है, कैरम क्या है मेरे पास बी है ना, तो बी माइनस ए फाइंड करना है मुझे। कैरम में से कार्ड को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। अब मैंने देखा कि बी माइनस ए गया आ गया, दैट मीन्स फॉर्मूला ड्राइव करो कौन सा था हमारे पास, ये था ना एन ऑफ बी बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी था मेरे पास। अब बी की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल्स टू बी माइनस ए प्लस कितना आ जाएगा यहां से 15। तो 30 माइनस 15 आंसर इज 15, क्लियर। तो इस टाइप से हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूलाज को पुट करेंगे। और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या था, एटलीस्ट ये वाली लाइन, बाकी तो सब आपको देख के पता लग रहा है कि क्या आएगा यहाँ, क्या है ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, यानी कि हर एक बच्चा कम से कम या तो इस सेट में है या इसमें है। तो और नाम आ गया, दैट मीन्स दीज 60 बॉयज आर इन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में क्या करती हूँ, ए और बी को लेट कर लेती हूँ। लेट ए जो हम किसे लेट कर लेते हैं, टेकिंग एप्पल जूस को, आप लैंग्वेज लिख देना प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बी क्या ले लेना यहाँ पे, टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 ऐसे स्टूडेंट्स है जो क्या ले रहे हैं, एप्पल जूस है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए कितना गिवन है 100, आफ्टर दैट 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा 150। देन 75 वर टेकिंग बोथ, बोथ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इंटरसेक्शन एज वेल एज ऑरेंज जूस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एप्पल एंड ऑरेंज जूस, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 75। नेक्स्ट कहते हैं फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 400 क्या, इन्हें सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स है ना,
यहाँ पे देखो कोई एटलीस्ट की बात नहीं है, कोई यूनियन की बात नहीं चल रही ना अभी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट था तो वहां पे हमने यूनियन लिखा था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो 400 है ना, ये किस में है? ये है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। कितने हो जाएंगे? एन ऑफ यू इक्वल्स टू 400। ये फर्क था लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपको मैंने एटलीस्ट का मतलब बताया था। तो ये हमें गिवन कंडीशन से हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। मतलब ना तो एप्पल जूस ले रहे ना ही ऑरेंज जूस ले रहे। तो ऐसे केस को हम क्या कह सकते हैं? इनके यूनियन का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये वेन डायग्राम से बताती हूं। यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। ए सेट कैसा है? एप्पल जूस वाला। बी कैसे हैं? जिसमें बच्चे ऑरेंज जूस ले रहे हैं। कहते हैं ना तो बच्चे एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही बच्चे ऑरेंज जूस ले रहे हैं, तो ना ही ए ना ही बी, तो बाहर वाला रीजन आ जाएगा सारा। क्लियर? और ये दोनों के क्या बोल सकते हैं? ये तो ए यूनियन बी हुआ ना, तो ए यूनियन बी को अगर यूनिवर्सल सेट में से हम छोड़ते हैं, दैट मीन्स उसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप इस चीज को ऐसे सोच सकते हो। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं कि हाँ ये नाइदर ही हो गया तो हमें क्या लिखना है। रट्टा मत मारो कभी भी। अगर आप चीज को समझोगे मैथ्स के अंदर तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको करना। दोबारा देखिए, कहता ना तो एप्पल जूस ले रहे ना ही ऑरेंज जूस ले रहे। मैंने वेन डायग्राम बना दिया एप्पल का और ये ऑरेंज का बना दिया। मतलब अगर ले रहे होते तो मैं इसे शेड करती ना, ना तो ए ना ही बी, यानी कि बाहर वाला सारा रीजन आ गया। और यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, इसका मतलब क्या होता है? इनकी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे यहां फाइंड क्या करना है? एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां मैं किसका यूज करूंगी? कॉम्प्लीमेंट का। क्या था ए कॉम्प्लीमेंट? क्या होता था? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। तो यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखूंगी? एन ऑफ यू माइनस ए यूनियन बी। क्लियर? एन ऑफ यू मेरे पास गिवन है, कितना है? 400 है। अब बात आती है यूनियन। यहां पे मैं क्या पुट करूंगी? इसका फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं क्या आ जाएगा। 400 माइनस एन ऑफ ए कितना है मेरे पास? 100 प्लस 150। इंटरसेक्शन कितना है? माइनस का 75। अब देखिए ये मेरे पास कितना आ गया? 100 150 में से 75 माइनस कर दोगे तो 175 आ जाएगा। 400 में से 175 माइनस करोगे तो 225 आ जाएगा। तो 225 ऐसे बच्चे होंगे जो नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस वाले होंगे। 225 स्टूडेंट्स वर नॉर नाइदर टेकिंग एप्पल जूस नॉर टेकिंग ऑरेंज जूस। तो इस टाइप से आप बिना रट्टा मारे इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करोगे कि एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या, तो आपको दिमाग में ये इजिली आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो थे आज फॉर्मूले से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी। वैसे ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट में क्या होगा, जहां पे थ्री साइड के वेन डायग्राम से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आपको जो भी मैंने करवाया है, जो फॉर्मूलाज है वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी है, आप उसे बारी बारी देखिए। एक बार नहीं समझ आएगा, दूसरी बार देखोगे तो आपको जरूर समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।